हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सो वेलकम टू ऑटो मूवंस एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड विद द न्यू किया सोनेट लॉन्च। एंड ये बहुत ही स्पेशल कार है, बहुत ही जबरदस्त कार है एंड डेफिनेटली ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। कभी कभी ना आपको प्रोडक्ट देख के पता लग जाता है कि दिस इज गोइंग टू किल द मार्केट। दे डेफिनेटली हैव अ विनर ऑन देयर हैंड्स। एंड जैसे इन्होंने सेल्टॉस से बैंड बजाई कार मार्केट की, कार्निवल से बजाई, कार्निवल के सेल नंबर उतने अच्छे नहीं गए, बट आई थिंक कार्निवल जिन लोगों के लिए बनी थी उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करी है। एंड डिपेंडिंग कि वो एक नई कार है, नई मार्केट है और एक अलग तरह की प्रोडक्ट है, आई थिंक इट्स डूइंग प्रीटी गुड। बट सेल्टॉस वगैरह ने तो बैंड ही बजा दिया है, मतलब इट्स लाइक टॉप 10 कार्स सेलिंग कार्स में आना और टॉप 5 में भी अब तो आ गई है वो। एंड इट्स लाइक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ना, फास्टेस्ट कार टू क्रॉस 1 लाख मार्क इन इंडिया, बहुत बड़ी बात है। किया धूम मचा के रखी हुई है एंड इनकी स्ट्रैटेजी पहले दिन से बहुत ही राइट है। मतलब जब क्रेटा 11 लाख की बिक रही थी BS4, इन्होंने BS6 की गाड़ी 9.99 की लॉन्च करी और एक बहुत बड़ी बात है कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं। एंड एवरीथिंग अबाउट देम, देयर प्रोडक्ट, देयर इंजन, देयर सर्विस, देयर सेल नेटवर्क, देयर मार्केटिंग, देयर प्राइजेस, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली ऑसम। मतलब उनका इनॉग्रेटिव मतलब स्टार्टिंग वाला प्राइस, इंट्रोडक्टरी प्राइस इतना ही जबरदस्त होता है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सोनेट के साथ वो बैंड बजाने वाला है। अब काफ़ी चीज़ें हमें सोनेट की पता लग गई हैं विद इट्स किया अनवील, बट डेफिनेटली प्राइजेज अभी नहीं आए हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन कि इनके प्राइजेज कंपेरेटिव होते हैं और ये वेन्यू की एक सिस्टर कंसर्न टाइप है या कह सकते हो आप, आई जस्ट फील दैट किया इज अ बेटर वर्जन ऑफ हुंडई। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अगर सोनेट को हम वेन्यू के बिल्कुल साइड पर रखें तो वेन्यू के बराबर की गाड़ी है, इस सेगमेंट सबसे हॉट सेलिंग सेगमेंट है इंडिया में। और अगर इन्होंने सेल्टॉस से ही इतने अच्छे नंबर्स अचीव करें तो जब ये बिल्कुल मतलब कि सेल्टॉस वाली गाड़ियाँ ब्रेजा के नंबर्स, वेन्यू के नंबर्स ये उसी, जबकि उस सेगमेंट की है नहीं, फिर भी क्रेटा और सेल्टॉस ने उस सेगमेंट को भी टक्कर दी है और सेल्टॉस उसमें भी किंग है। जब इन्होंने सोनेट ही निकाल दी, दूसरा सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकाल दिया, आई थिंक दे आर गोइंग टू किल इट। सो इको स्पोर्ट, नेक्सॉन, ब्रेजा, जितनी भी सेगमेंट की गाड़ियां हैं वेन्यू से बिल्कुल डायरेक्टली कंपटीशन है बिकॉज दे आर ऑफ सेम प्लेटफॉर्म है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर है बिकॉज पीछे से हुंडई की मतलब किया और हुंडई आर सिस्टर ब्रांड्स। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड सबसे मेन फीचर जो मैं बताने वाला हूँ जो उनकी मतलब द रीज़न दैट इट इज़ सो एक्साइटिंग इज, नंबर वन, इन्होंने डीजल ऑटोमेटिक निकाल दिया। एंड हम भी जानते हैं बींग एन इको स्पोर्ट फैन, बींग अ ड्राइवर डिलाइट फैन, फिर XUV 300i, कि इस सेगमेंट में अभी तक सिर्फ AMTs हैं और AMT से लोग कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं है। फोर्ड ने तभी ऑटोमेटिक निकाला ही नहीं है, उनका सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक है। तो जो लोग ऑटोमेटिक फन लविंग कार चाहते हैं उनको माइलेज का बहुत लेना पड़ता है, इसलिए फोर्ड ऑटो भी उतनी नहीं बिकती, फिर भी बिकती है। बट अभी भी इस सेगमेंट पर डीजल रूल करती है, नो डाउट। मारुति ने ब्रेजा की डीजल बंद करी, उनकी सेल्स काफ़ी फॉल हो गई, इट्स ऑलमोस्ट 50-60%, जो लोग पेट्रोल लेते सिर्फ वही ले रहे हैं। बट AT डीजल ना होना, प्रॉपर AT ना होना वॉज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम और इसके लिए लोगों को अपना बजट बढ़ाना पड़ता था क्योंकि AMT भी उतनी सक्सेसफुल इस सेगमेंट में उतनी नहीं रही है। नेक्सॉन में AMT आता है, ब्रेजा में AMT आता था डीजल में, वो तो डीजल ही उन्होंने बंद कर दिया है। तो उसके अलावा हमारी XUV ने AMT लाया, XUV काफ़ी प्राइजी है। बट अगर हम देखें कि 9 लाख से 13-14 लाख तक के ब्रैकेट ऑलरेडी जा चुका है, हमारी टॉप मॉडल वेन्यू भी 11.5 लाख की है। एंड नोइंग अबाउट किया कि वो अपने प्राइजेज कंपटीशन से ज़्यादा नहीं करते हैं या तो बिल्कुल बराबर करते हैं, फिर भी 5-10% नीचे ही रखते हैं टू गिव दैट कंपेरेटिव एज। कि अगर बंदा एप्पल्स टू एप्पल्स भी कंपेयर करता है तो बंदा कहता नहीं यार ये किया की गाड़ी ज़्यादा बेटर और थोड़ी ज़्यादा सस्ती लगी है। उसके हिसाब से जो उन्होंने फीचर दे दिए, उन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स दिए हैं जो सिर्फ अपर सेगमेंट गाड़ियों में, इन्होंने डीजल AT दे दिए सिर्फ अपर सेगमेंट गाड़ियों में, और रिमोट स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई है आपको जल्दी मिल जाएगी होंडा सिटी की, मैं उसमें शेयर कर रहा था कि रिमोट स्टार्ट स्टॉप फंक्शन एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी स्पेशल फीचर, वो अब तक कॉमन नहीं हुआ है बिकॉज अब तक सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स या सिर्फ ऑटोमेटिक्स में अवेलेबल है। फोर्ड ने भी डाला तो ऑटोमेटिक में डाला है, होंडा ने भी डाला तो सिर्फ ऑटोमेटिक में डाला है। बट अगर वो मैनुअल्स में आने लगेगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोगों तक वो जा पाएगा, ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, तब पता लगेगा कि वो एक्चुअली कितना ही सॉलिड फीचर है, कितना बड़ा कन्वीनियंस है ये कि आप अपने घर के अंदर बैठे हो और आप सिर्फ रिमोट से अपना इंजन ऑन कर रहे हो, AC ऑन कर रहे हो। तो अगर आप एक एयर कंडीशन रूम से डायरेक्टली एक एयर कंडीशन कार में जा रहे हो, इट इज़ सच अ बिग कन्वीनियंस। बिकॉज अगर आप एक 40-50 लाख की गाड़ी भी लेते हो, बहुत अच्छी लग्जरी कार भी लेते हो, बट आपकी वहाँ बैठने की देर तक, प्रोवाइडिंग कि आपके पास ड्राइवर नहीं है जो पहले जाके ऑन कर रहा है, आपके गाड़ी में बैठने तक की देर तक आपके पसीने छूट जाते हैं, लेडीज़ का मेकअप खराब हो जाता है, लड़के की बहुत स्वेटिंग एंड सारा माहौल आपका खराब हो जाता है, जिसको यार कि जल्दी से मेरे को हवा लगे, वो चीज़ को वो रिमूव कर देता है वो थोड़ा सा फीचर। एंड इट्स सच अ बिग यूटिलिटी फीचर और किया वो भी मैनुअल कार में दे रही है। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट बिकॉज अब तक ये फीचर सिर्फ
ऊपर ऊपर क्लास तक जाते थे, लोगों को लगता था यार ये वाले फीचर देना भी बहुत मुश्किल है। तो अब तक ये सबसे सस्ता वेन्यू में ही आए थे, बट वेन्यू में भी सिर्फ पेट्रोल डीसीटी तो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन था उसमें था, बट सेइंग कि ये मैनुअल में भी होगा तो आई थिंक 10 से 11 लाख एक्स्ट्रा रूम की प्राइस की सोनेट में भी आपको फीचर्स आराम से मिल सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और अगर सेल्टॉस 11.5 लाख की टॉप मॉडल बेच रही है, आई एम प्रीटी श्योर कि इनका प्राइस भी 11.5 लाख का एक्स्ट्रा रूम तक ही होगा। और इनके बाद भी वही तीन लाइनअप्स हैं, इनका एक नॉर्मल पेट्रोल है 1.2 लीटर। आई थिंक जैसे वेन्यू ने ये किलर डील मारी थी कि हम 7 लाख या 7.5 लाख से गाड़ी शुरू कर रहे हैं, सो दैट जिनका इतना बजट नहीं है फिर भी वो एक 8-8.5 लाख तक की वेन्यू रख सकते हैं और लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो एक 11 लाख की वेन्यू है, 12 लाख की वेन्यू है या एक 8 लाख की वेन्यू है। सिमिलरली उसी तरह सोनेट भी शायद बहुत स्टार्टिंग अच्छे प्राइस से शुरू होगा, जो 1.2 इंजन उनका जो सस्ता होगा वो अवेलेबल होगा, उसके बाद इनका डीजल मैनुअल और एटी होगा, उसके बाद इनका पेट्रोल जीटी लाइन जो टीडीआई टर्बो जीडीआई इंजन है जो मैंने वेन्यू में भी ड्राइव करा था विद कम्स आउट विद 100 बीएचपी पावर एंड अ लॉट ऑफ रूम्स, वो 7 स्पीड डीसीटी के साथ अवेलेबल है। पेट्रोल भी इनका शायद, अब इन्होंने बोला तो है कि हमारे पास हम एटी प्रोवाइड कर रहे हैं डीजल में, अब आई डोंट नो कि पेट्रोल में वो एटी देंगे या नहीं देंगे। वैसे आई डोंट थिंक कि अगर चीपर वर्जन ऑफ पेट्रोल्स के लिए उनको एक ऑटोमेटिक 80 देने की जरूरत है, आई थिंक जो ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस लेना चाहते हैं दे कैन इजीली गो फॉर द टर्बो लाइन डीसीटी वेरिएंट। बट थिंक इज दैट दे एक्चुअली हैव अ सोनेट फॉर एवरीवन। मतलब मैं अभी ये बात तो कर ही नहीं रहा कि वो दिखने में कितनी सेक्सी है, दिखने में कितनी सुंदर है। आई थिंक किया इज जस्ट मोर यूथफुल, मच मोर कलरफुल, इट्स लाइक अ बेटर वर्जन ऑफ हुंडई। अब तो ऐसा, अब तो ना बिल्कुल हर एक प्रोडक्ट के साथ वो बिल्कुल मैच ही, कार्निवल का देखो कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है नहीं हुंडई में। तो उन्होंने पहले क्रेटा के अगेंस्ट सेल्टॉस थी, अब उनकी वेन्यू के अगेंस्ट सोनेट है। तो अगर हम दोनों को इकट्ठे खड़ा हुआ क्लियरली कह सकते हैं ये बुजुर्गों के लिए है, एंड दिस इज द कार फॉर द यंग पीपल, दिस इज द कार दैट अपील्स टू मी, दिस इज द कार दैट आई लाइक, उसकी स्टाइल स्टेटमेंट एवरी थिंग अबाउट इट। एंड डेफिनेटली इफ यू सिट इन अ क्रेटा एंड अ सेल्टॉस यू डेफिनेटली फील अ लिटिल बिट बेटर इन सेल्टॉस, एंड यू फील कि नहीं यार दिस इज मोर एडवांस्ड, मोर मॉडर्न। नो डाउट अगर आप स्पेक्शीट मंगाओ तो आपको काफ़ी चीज़ें, हम लोग नहीं क्रेटा में भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट सेल्टॉस जस्ट टिकल्स योर बोन एंड इट हैज दैट एक्स फैक्टर दैट कि देख के लगता है कि नहीं यार ये एक जबरदस्त चीज़ है। अगर आप अब वेन्यू और सेल्टॉस को भी साथ देखो तो साफ पता लगता है कि वेन्यू द बोरिंग डिजाइन, नॉट दैट क्लासी, नॉट दैट मॉडर्न। नो डाउट जो वेन्यू आई थी तब इट वॉज लाइक कि नहीं यार बहुत सेक्सी बनाई है, सुंदर बनाई है, काफ़ी क्लासी लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है, बट द मोमेंट द सोनेट स्टैंड बाय इट विद इट यू कैन डेफिनेटली फील कि नहीं यार ऐसा लगता है कि वेन्यू का 5 साल पुराना डिजाइन है। मतलब जस्ट जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी नहीं है कि अकबर बीरबल को कहता है यार कि इस लाइन को बिना छेड़े छोटा करना है, तो उसने एक बड़ी लाइन खींच दी और वो छोटी हो गई। सिमिलरली वेन्यू की सारी ग्रेस मर जाती है जस्ट ऑन की सोनेट कितनी बेटर है, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ किलर कार। उसकी LED लाइट्स, उसका फ्रंट डिजाइन, वेंटिलेटेड सीट्स, एंड देन उसके सीट्स का जो कॉन्टोर है, उसके जो कलर यूज उन्होंने करे हुए हैं, उसके इंटीरियर के अंदर भी इट्स लाइक द परफेक्ट यूज ऑफ प्लास्टिक, मेटल एंड स्क्रीन डिस्प्ले, इट्स एन अमेजिंग थिंग। और सेल्टॉस के अंदर भी जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्लास एरिया रखा हुआ है कि पूरा आपको लगता है कि यार कि मेरे सामने एक कॉकपिट की तरह सारी गैजेटरी है, विच इज ऑल ऑन टच स्क्रीन। सिमिलरली उन्होंने सोनेट में भी वो कंटिन्यू करा है कि आपके स्टेयरिंग के सामने वाली स्क्रीन MID डिस्प्ले भी बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत वाइड, बहुत अच्छी टच स्क्रीन है, और उसके लेफ्ट साइड भी बहुत बड़ी सी टच स्क्रीन है। सो इट्स लाइक यू डो नॉट फील, और मैं खुश इस बात का हूँ कि आप ये सारा कुछ ले सकते हो 11-12 लाख में, बिकॉज अगर 11.5 लाख का भी टॉप मॉडल होगा तो आपको 13 लाख ऑन रोड तक आपको आराम से सोनेट मिल जाएगी, विच विल हैव अ वेरी गुड ड्राइव ट्रेन एंड अमेजिंग फीचर्स। और यही चीज़ अगर आपको क्रेटा में लेनी थी वेंटिलेटेड सीट्स, या आपको यही चीज़ अगर आपको सेल्टॉस में लेनी थी तो आपका बजट 19-20 लाख तक चला जाता। तो आपको वही सब चीज़ें, वही सब कम्फर्ट इन अ स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट पैकेज, तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू ड्राइव इट, आई एम प्रीटी श्योर हाउ इट्स गोइंग टू बी, बिकॉज ये भी एक सेकेंड अच्छी बात है कि इट इज़ मोर अपीलिंग फॉर द एंथुसियास्ट, बिकॉज हुंडई की गाड़ियाँ कहीं ना कहीं कम्फर्ट की तरफ फोकस्ड हैं, वो इतनी ड्राइवर फोकस गाड़ियाँ नहीं बनाता। क्रेटा भी देखो थोड़ी शॉर्ट सस्पेंशन है, थोड़ी उन्होंने कंफर्ट के हिसाब से बनाई है, बट सेल्टॉस इज शार्प टू ड्राइव, सेल्टॉस का स्टीयरिंग फीडबैक बेटर है, सेल्टॉस इज शार्प टू टर्न इन। सिमिलरली आई बिलीव कि नो डाउट इवन वेन्यू वॉज क्वाइट गुड अ ड्राइवर्स कार, बट उसके बाद भी सोनेट इज गोइंग टू बी मच बेटर। वेन्यू डेफिनेटली, वेन्यू के अंदर थोड़े निटपिकल्स थे, थोड़े मुझे लग रहा था यार कि नहीं कि सस्पेंशन हैंडलिंग पैकेज उतना सॉर्टेड नहीं है, या मुझे लग रहा था यार कि एक छोटी कार को ऐसा लग रहा है कि छोटा प्लेटफॉर्म है गाड़ी उतनी, कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब मेरे को वेन्यू में ये लग रहा था कि जगह कम है, बिकॉज वो आपको फीलिंग देना चाहती है एक रहीसों वाली, बट स्पेस कम होने के कारण वो अच्छे से दे नहीं पाती। बट सोनेट आपको ये कह ही नहीं रही, सोनेट कह रही कि मैं एक यूथफुल कार हूँ। सिमिलरली लोग रेंज रोवर इवोक लेते हैं नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, बट दे स्टिल बाय रेंज रोवर बिकॉज इट टेक्स ऑल द राइट बॉक्सेस,
gives you that sexy appeal, gives you that youthful appeal, is great to drive, is great for everything, and it's your personal car, and that is the fun that comes with it. But, and similarly with Sonet, it gives you the right space, gives you the right comfort, gives you the right colors, gives you the right feel, gives you the right experience, gives you the right fun. But then, it does not tell you something else that it cannot deliver. आपको सेम स्पेस अगर वेन्यू और सोनेट में मिलेगी, आपको सोनेट में बैठ के डिसअपॉइंटमेंट या एम्बेरसमेंट सानी फील होगा. तो मुझे वेन्यू में लगा, मुझे लगा नहीं यार कि इट्स अ मच स्मॉलर कार ट्राइंग टू कम्पीट विद मच बिगर कार. नो डाउट वो काफ़ी अच्छी सेलिंग बिकॉज हुंडई का नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है. सिमिलरली किया ने अपना नाम बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, एंड आई एम वेरी 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 प्रो अबाउट इट, वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट दैट दिस कार इज गोइंग टू बी ऑल अराउंड, सबको बहुत दिखने वाली है, एंड कॉम्पिटिशन को बहुत गंदा हिट करने वाली है. एंड स्पेशली द डीजल 80, पीपल आर गोइंग टू लव इट. बहुत सारे लोग हैं स्पेशली समवन लाइक मी जिनकी बहुत गाड़ी चलती है, मेरी ऑलरेडी 50,000 चल गई है साल साल में, मेरे को हर 1.5-2 साल दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है बिकॉज किलोमीटर इतने चल जाते हैं. एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी हु डेफिनेटली आई एम यंग एंड ऑल द न्यू पीपल दैट आर कमिंग टू बाई की हमारी पहली कार बहुत सॉलिड होनी चाहिए, मतलब इट अपील्स टू अ लॉट ऑफ बायर्स. एंड 10 लाख का ब्रैकेट ऐसे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इंडिया में 9 से 12 लाख इस ब्रैकेट में बिकती है, और उस ब्रैकेट में इन्होंने एक किलर प्रोडक्ट निकाल के बैंड हो जाती है. एंड यू नो रिसेंटली आई वेंट टू, जब मैंने होंडा सिटी का रिव्यू करा तो इवन आई टॉक टू पीपल इन होंडा एंड इवन देवर शेयरिंग द सेम थिंग यार कि होंडा किसी वजह से हिट करी है क्योंकि लोग यहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी मानते हैं, दैट इज व्हाट इज इन मोस्ट डिमांड. बट हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी उतनी सॉलिड नहीं निकली, WRV इतना अच्छा नहीं कर पाई, इसलिए होंडा की सेल्स बहुत हिट है. बट हमारे बाकी प्रोडक्ट थोड़े अच्छे हैं, इस करके फिर भी होंडा अच्छे से सर्वाइव कर रहा है. बट स्टिल कॉम्पैक्ट एसयूवी स्ट्रांग होना किसी भी कंपनी के लिए आज की डेट में टू सर्वाइव बहुत ज़रूरी है. ऐसे नहीं लंबोर्गिनी ने भी एसयूवी बना दी, रोल्स रॉयस ने भी एसयूवी बना दी, एंड सब ने अपने रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था किया के लिए, एंड आई थिंक दे हैव जस्ट नेल्ड इट विद एन अमेजिंग प्रोडक्ट.